वर्ल्ड कप के एक अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से हराकर उसके विजय अभियान पर रोक लगा दिया है। इंग्लैंड ने इस अहम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 337 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में महज 306 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने मिलकर इंग्लैंड को एक मजबूत शुरुआत दी। हालांकि जेसन रॉय को 21 रनों के निजी स्कोर पर एक जीवनदान मिला। दरअसल पंड्या की गेंद उनके ग्लव्स से छूकर धोनी के दस्तानों में पहुंची, लेकिन अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया। इसके बाद कोहली ने धोनी से पूछा कि क्या DRS लें, लेकिन धोनी ने कोहली को इसके लिए मना कर दिया। हालांकि रिप्ले में जब देखा गया तो गेंद उनके दस्तानों से छूकर धोनी के दस्तानों तक पहुंची थी। अगर धोनी DRS ले लेते तो भारत को पहली सफलता मिल जाती, लेकिन धोनी के DRS न लेने के फैसले ने भारत को मुसीबत में डाल दिया। इसके बाद इंग्लैंड ने मजबूत शुरुआत के साथ 160 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। कुलदीप यादव ने भारत को पहली सफलता दिलाई। यह सफलता उस समय मिली जब इंग्लैंड 160 रन बना चुका था। इसके बाद भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड पर कोई खासा दबाव नहीं बना सके। बुमराह को छोड़ दें तो कोई भी भारतीय गेंदबाज 6 से कम की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाया। चहल ने तो भारतीय गेंदबाज के रूप में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड बना डाला। उन्होंने 10 ओवर में 88 रन लुटाए। जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स की धमाकेदार बल्लेबाजी की मदद से इंग्लैंड ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 337 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में उत्तरी भारतीय टीम को शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा। KL राहुल बिना खाता खोले वापस लौट गए। राहुल के वापस लौटने के बाद आए विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ 138 रनों की साझेदारी की, लेकिन इस साझेदारी का भी भारत को कुछ अच्छा परिणाम नहीं मिला। 29वें ओवर में विराट कोहली 66 रन बनाकर आउट हुए और उनके बाद 106 रन के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा भी चलते बने। इसके बाद कोई भी भारतीय बल्लेबाज 50 रन के स्कोर तक नहीं पहुंच सका। परिणाम यह हुआ कि भारत की टीम को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गया है और पाकिस्तान खिसक कर पांचवें नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि भारत पर इस हार का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। पॉइंट टेबल में भारत अभी भी दूसरे पायदान पर मौजूद है।